अजीत पवार ने भले ही शपथ ली हो, लेकिन ये फैसला कोई एक दिन का नहीं है। शरद पवार के फैसलों की वजह से अजीत पवार के सामने अपनी सियासत को बचाने की चुनौती भी आ गई थी। एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। शरद पवार को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, लेकिन अजीत पवार पीएम मोदी की तारीफ करके बार बार इशारों इशारों में पहले से ही समझा चुके थे। साहेबांच्या नावामुळे देशामध्ये भाजपा आलेली आहे, माझा दावा आहे। मोदी साहेबांच्यामुळे देशात भाजपा आलेली आहे, मोदी साहेबांच्यामुळे देशातल्या अनेक राज्यात भाजपा आलेली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। वाजपेयी साहेब असताना पण त्यांना निर्विवाद बहुमत मिळालेलं नव्हतं, पण मोदी साहेबांना 14 मिळालं, 19 मिळालं। त्यांचा करिश्मा आहे जसा एकेकाळी इंदिराजींचा करिश्मा होता, राजीवजींचा करिश्मा होता, लालबहादूर शास्त्रीजींचा करिश्मा होता, पंडित जवाहरलाल नेहरूजींचा करिश्मा होता, हे आपण पाहिलेलं। अजीत पवार का यह इशारा था कि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार में अपना भविष्य देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी से कोई परहेज नहीं। लेकिन शरद पवार तब जागे जब अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि अजीत पवार कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे, कब शिंदे से मुलाकात करने चले गए। इन तस्वीरों को देख कर पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी व्यक्ति 9 या देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करते, त्यांच्या नावावर 2014 साली जो पक्ष एकेकाळी फक्त 2 खासदारांचा पक्ष होता, तो सर्व दूरपर्यंत पोहोचला आणि पूर्ण बहुमताने निवडून आला, हा करिश्मा मोदी साहेबांचाच आहे की नाही? त्याही काळामध्ये कुणी असं निवडून आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचं वक्तव्य केले जातात, परंतु ते पॉप्युलर झाले आणि त्यांच्या नावाखालीच वेगवेगळी राज्य निवडून आलेले आपण पाहिलं की नाही? त्याच्यानंतर पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती 2019 घडली की नाही? आता 2014 5 ते झाले पंतप्रधान, आता जवळपास 4 होत आले, 9 हे असले मुद्दे काढून काय उपयोग आहे? महाराष्ट्र की राजनीति के कलाकार अपना अपना डायलॉग रटते ही रह गए और अजीत पवार ने काम कर दिया। शरद पवार की वरिष्ठता और सियासत का अनुभव विपक्ष की हर मीटिंग में बोलता है, लेकिन उनका बोला हर शब्द उनकी ही पार्टी में बगावत की एक नई शक्ल ले रहा था। शरद पवार ने जिस तरह हाल ही में संगठन में फेरबदल किया और शक्ति का बंटवारा किया, उससे अजीत पवार और उनके समर्थक विधायक पहले ही नाराज थे, जिसको लेकर कई बातें सामने भी आईं। कुछ महीनों पहले एक खबर आई थी कि अजीत पवार उनके साथ के कुछ 10-12 MLAs बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उस वक्त तो अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी खबरों पर खंडन किया। ये सबसे पहली नाराजगी थी जो खुलकर सामने आई। उसके बाद से ही हमने लगातार देखा कि किस तरीके से पार्टी में फेरबदल किए गए, और ये सीधे फेरबदल खुद शरद पवार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है वो और बढ़ती गई। अजीत पवार और उनके कैंप को ये लगता रहा कि उनको पूरी तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है और पार्टी पर उनकी पकड़ अब बची नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी ये डिसीजन लेने में। अब जब शरद पवार ने विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस के साथ मंच साझा किया, तो पहले से नाराज गुट में असंतोष और बढ़ गया। माना जा रहा है इसी के बाद तय हो गया था कि जल्दी ही NCP में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वैसे अजीत पवार ने 2019 में भी रातों रात फडणवीस सरकार को समर्थन देकर बगावत का झंडा बुलंद किया था, और तभी ये संकेत मिला था कि NCP में अंदर अंदर सब ठीक नहीं है। तब बात परिवार की करके मामला सुलटा लिया गया था। इस बार बाजी सीनियर पवार के हाथों से निकल गई। कई जानकारों का यह भी मानना है कि शरद पवार राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं, और कई बार जो दिखता है वैसा होता नहीं है। क्या आज की बगावत के कई मायने हो सकते हैं? धीरे धीरे तस्वीर और साफ होगी। सीनियर पवार के फैसलों से नाराजगी कहिए या सत्ता में हिस्सेदारी की चाहत, NCP के सुर अंदर खाने काफी पहले से बदलने शुरू हो गए थे। एक पुराना पक्ष पार्टी के अंदर यह था कि 2019 में कांग्रेस के खिलाफ लड़े और बाद में उसी के साथ महाअघाड़ी सरकार बनाई। इस पर आपत्ति कई नेताओं की पुरानी थी।